नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पितृपक्ष 2024 शुरू हो गया है। पितृपक्ष में पितरों को पिंडदान दिया जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती है, उन्हें जल दिया जाता है। दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है वे भी अपने पितृ दोष की मुक्ति के लिए इस समय उपाय कर सकते हैं। ये 16 दिन यानी कि पूर्णिमा से लेकर अगली अमावस्या तक 16 दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। परंतु दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पितर कितने प्रकार के होते हैं और पितर रहते कहाँ हैं और वे किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों पितर रहते कहाँ हैं, तो पुराणों में ऐसा बताया गया है कि चंद्रलोक से ऊपर एक लोक है जिसे पितृलोक बोला जाता है, वहाँ पर ये पितर निवास करते हैं। इन पितरों के जो मुखिया हैं वे आर्यमा स्वामी हैं और उनके न्यायाधीश हैं यमराज। दोस्तों पितर कितने प्रकार के होते हैं, पितर दो प्रकार के होते हैं, एक दिव्य पितर होते हैं, एक मनुष्य पितर होते हैं। दिव्य पितर अपनी तपस्या और काफ़ी समय के कारण वे एक दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं और वे मनुष्य के कर्मों के हिसाब से, उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से, उसके बुरे कर्मों के हिसाब से जो उनके वंशज होते हैं उनका निर्णय करते हैं, उन्हें फल देने की क्षमता भी रखते हैं और वे उसका निर्णय करते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों पितर किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, तो पुराणों में ऐसा बताया गया है कि पितर गंध के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। गरुण पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि पितर अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु अन्य से उत्पन्न होने वाला जो गंध होती है, जो धुआं होता है, उस धुएं को सोखकर वे भोजन ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसलिए ऐसा कहा जाता है, पुराणों में भी वर्णित है कि आपको अगर अपने पितरों को तर्पण देना है अथवा उन्हें भोजन ग्रहण करवाना है, उन्हें भोजन देना है, तो आप गाय के गोबर के एक उपले पर जिसे जलाकर उसके ऊपर आप भोजन यानी कि जो अन्न है, अन्न गुड़ घी इत्यादि का देकर उन्हें गंध में परिवर्तित करके, धुएं में परिवर्तित कर दें, तो पितर वहां खड़े होकर उस धुएं को सोखते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, साथ ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, आप अपने पितरों को जल दे रहे हैं अथवा आप अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर रहे हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ करें। इन 16 दिनों में पितर आपके घर आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से आपको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आप उन्हें प्रसन्न करें और अपने जीवन में सुख भर लें। धन्यवाद।